हेलो बच्चों, आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.17 ईरडो की सॉल्व करेंगे। और मैं इस प्रॉब्लम को ना बहुत ही ट्रिकी मेथड से सॉल्व करूंगा, बहुत शॉर्टकट मेथड से। अब बच्चे इसको बड़ी कंफ्यूजन से सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं इसका। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का कांसेप्ट थोड़ा बताना चाहिए, संरचना वगैरह बताना चाहिए। शायद आपको पता हो ऑप्टिक्स में फॉर्मूला पढ़ते थे हम, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्पीड इन फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड इन सेकेंड मीडियम। अगर आपको ये संरचना, मैं कहते हो मैं कहा ले गया आपको, मैं ऑप्टिक्स में ले गया, अगर आपको संरचना आता है ऑप्टिक्स में तो मैं इसको याद लगाऊंगा और बड़े शॉर्टकट मेथड से विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा बताना चाहिए, उसमें आपको ध्यान होगा ना, लाइट रेज होती है हमेशा वो पाथ फॉलो करती थी जिसमें मिनिमम टाइम लगता है, जिस पाथ में मिनिमम टाइम लगता है लाइट रे की बेंडिंग और कांट रिफ्लेक्शन के लिए बताया जाता था। आपको ध्यान तो फर्मेट्स प्रिंसिपल बता देते हैं, फर्मेट्स प्रिंसिपल, तो वो चीज मैं याद आ रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या दिया होता है, इसमें यह दिया होता है कि भाई पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे, एक पॉइंट है ए, यहां से किसी आदमी को पॉइंट बी पर जाना है, किसी पॉइंट बी पर जाना मिशन पर पड़े पर याद है, उसने ये पूछा भाई ए से बी पर जाना है और हाईवे पे, ये हाईवे है बीच में कच्चा रास्ता है ठीक, तो हाईवे पर उसकी स्पीड है बी, हाईवे पर स्पीड उसकी बी है और उसने कहीं से मुड़ना है यहां से, और यहां से मुड़ के वो मिनिमम टाइम में बी पर जाना चाहता है, मिनिमम टाइम में, और यहां उसकी स्पीड है बी बाय एन, बी बाय एन कच्चे रास्ते पर उसकी स्पीड बी बाय एन। आपसे पूछा गया है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहां से कितनी पहले वो मुड़ जाए, यहां से कितनी पहले वो मुड़ जाए कि मिनिमम टाइम में वो बी पे पहुंचे। ये क्वेश्चन है मिनिमम टाइम में उसको बी पे पहुंचना, तो एक्स की वैल्यू बता, इसने ये मैंने रखा है और शायद ये वैल्यू भी इसमें गिवन होगी, देखोगे पर स्टेटमेंट में ये एल गिवन है, देखा ना मेरे ख्याल से, तो एल बी लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल, तो ये आई में से एल डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो ये पूछा कितने डिस्टेंस पहले ये मुड़ जाए कि मिनिमम टाइम में वो बी पे पहुंचे। मैं फिर कह रहा हूं मैं इसको सोल्व कर रहा हूं ट्रिकी मेथड से, बहुत ही कंसेप्चुअल मेथड है और बहुत शॉर्टकट मेथड है, तो मैं इसमें संरचना वाला जो कंडीशन है वो वाली वो लगाऊंगा। जैसे मैं ये मान लूंगा भाई यहां से आए, ये फर्स्ट मीडियम काम करेगा, ये सेकंड मीडियम में काम करेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री है और ये हो जाएगा भाई एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जो थीटा है। ध्यान से देखना मैं संरचना का यूज कर रहा हूं यहां, तो यहां से साइन 90 और साइन थीटा, ये फर्स्ट मीडियम की स्पीड बी होगी, ये सेकंड मीडियम की स्पीड बी बाय एन होगी, तो यहां से होगा 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू एन, 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू एन, तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1 बाय एन। अब ये तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी इसमें मैंने, मैं कह रहा हूं मुझे एक्स निकालना है, तो ये बताओ अगर ये थीटा है तो मैं एक ट्रायंगल से ट्रायंगल थीटा की वैल्यू निकालता हूं। ये देखो एक ट्रायंगल मान लो, मैं ये थीटा हो, साइन थीटा 1 बाय एन आने का मतलब ये 1 मान सकते हो, ये एन मान सकते हो, और ये वैल्यू मान सकते हो ये आ जाएगी रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू मैंने एक बार ट्रायंगल बना ली साइन की वैल्यू का यूज करके। मुझे बताना ये एक्स, ये एक्स बताना मुझे, तो बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये एल गिवन है, तो ये यहां एक ट्रायंगल बनी हुई है, देखो ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये वाला ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल का यूज करूंगा इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल से टेन थीटा निकाल देता हूं, तो टेन थीटा ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स बाय एल, और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई एल टेन थीटा, एक्स की वैल्यू एल टेन थीटा, और मैं टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालता हूं, यहां से टेन थीटा अगर निकालता हूं तो व्हाट द 1 ओवर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ 1 ओवर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू एल इंटू 1 ओवर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, मतलब एल ओवर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स की वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितनी छोटे मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, ये लेकिन थोड़ा ट्रिकी है कि मतलब इसमें काइनेमेटिक्स के लगाई मैंने, ऑप्टिक्स के कंपेयर करके निकाला, एक किस्म से ऑप्टिक वाला कांसेप्ट याद रहा है। आप चाहो तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैं इसका सेकंड मेथड का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सेकंड मेथड भी इसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका ठीक है, लेकिन एक मेथड ये है मुझे अगर पसंद आए तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को।